प्लांट ग्रो करेंगे हमारे उतने ज़्यादा बेनिफिट्स है। अगर हम देखें हॉस्पिटल्स में आजकल जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करेंगे हमें उनकी वो टेक्नोलॉजिकल जो हमें चीज़ें होती हैं उनकी हमें कम डिमांड पड़ेगी। इवन जो ये प्लांट्स हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते, ग्रीनरी प्रोवाइड करते, इवन एक ब्यूटीफुल सीनरी होती है। अगर हम देखें कश्मीर में जो हमारे हिली एरियाज है लाइक जो गुलमर्ग, अगर हम देखें इवन एवरीवेयर हमें ग्रीनरी हर जगह पर है, इससे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी। इवन ये ग्लोबल वार्मिंग को डिक्रीज कर सकता है। जो हमारी ये पेरिस लॉ है उसमें हमें किए जो ये हमारी वी आर कंसर्न विद दिस कि हमें जो हमारे प्लांट्स है हमें ग्रो करने, इट्स आर ड्यूटी, वी हैव टू फुलफिल इट। इवन हमें अपनी जो ये है एनवायरनमेंट हमें वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जो ह्यूमंस है वो अपनी सेल्फिशनेस के लिए जो ये अपनी जो डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, अगर हम ये एफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे हमारा ही फ़ायदा। वी हैव टू यू नो टेक अ लुक एट दैट एंड हमें समझना है कि जो हमें प्लांट्स हमें और से और ज़्यादा ग्रो करने हैं। आप चाहेंगे बिल्कुल हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। इवन अगर आप देखेंगे कि जो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में कितने सारे लोग थे जिनको ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही थी। अगर हम ऐसे ग्रो करेंगे तो इवन हम लाइव्स बचा सकते हैं लोग, इवन जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट बचा सकते हैं। ऐसे हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। कि प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे हमारे माहौलियात पे काफ़ी असर पड़ रहा है, दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो डिफॉरेस्टेशन उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में भी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो गया, दिन ब दिन नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं और उसका सीधे सीधे इंटरफेरेंस ह्यूमंस का है, वो मैन मेड डिज़ास्टर्स है। वो जो आज हम डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं वो अगली जनरेशन पर बरस पड़ता है। इसलिए अगली जनरेशन सेफ रहे हम आज प्लांटेशन कर रहे हैं, ये समझ के ये प्लांटेशन ड्राइव शुरू की गई। और मैं ये रेकमेंड करता हूं कि हर स्कूल हर इदारा ऐसी जो ड्राइव्स है वो चलाते रहे विद इन द कैंपस एंड आउटसाइड कैंपस। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हमने किया हुआ है जंगलों में, जंगलों को काट काट के अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, वो ज़रूरियात जो थी ना वो एक लग्जरी थी। वो ज़रूरियात अगर पूरी नहीं भी होती तब भी हमारा गुजारा होता, लेकिन हम लोगों की खुदगर्जी की वजह से उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया, ये सारी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई और धीरे धीरे जंगल के जानवर यहाँ की ओर आ रहे हैं, इंसानों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन ये नुकसान बेसिकली जानवर नहीं पहुँचा रहे, ये हमने उनकी जनरेशन को पीछे नुकसान पहुंचाया हुआ है और उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो खाना ढूंढने के लिए हमारे बस्तियों में नजदीक नजदीक तर आ रहे हैं। सॉइल टाइप भी है ना, जो हमारा सॉइल टाइप है ये लोमी सॉइल नहीं है, ये माउंटेनियस सॉइल है, ये बड़ा लूज होता है, इसको पकड़ता है प्लांट का रूट। जब हमने प्लांट के प्लांट ही काट दिए, रूट कमजोर हो गए, धीरे धीरे ये ढीला पड़ जाता है और ग्रेजुअली इरोजन हो जाता है और लैंडस्लाइड्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर के लिए। तो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है, लेकिन इन टर्न वो अब हमारे लिए भी डिस्ट्रक्शन होता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, लाइव्स डिस्ट्रॉय हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीज़ें, तो ये इसकी सारी वजूहात जो है कहीं ना कहीं हमारा डिफॉरेस्टेशन पे जो हमने जो रैपिड एक्सपेंशन उसका हो गया है, ये मैं एक्सपेंशन तो नहीं कहूँगा, वो एक्सप्लोजन हो गया वो था, उसको रिवर्स करने के लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। और हमें चाहिए कि हम ऑफ द कैमरा ऑफ द कैंपस भी प्लांटेशन करें जहाँ पर एक्चुअल प्लांटेशन होनी चाहिए थी। इसमें गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और एज सिटीजन हमें भी आना।
लास्ट मैसेज ये है कि जिसको जैसे बनता है छोटा एफर्ट बड़ा एफर्ट वो इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश करे। वो जंगल के नज़दीक रहता है वो वहाँ से बचाने की कोशिश करे, सिटी के नज़दीक रहता है उसी तरीके में बचाने की कोशिश करे, पॉलीथिन कम यूज़ करे, प्लांट्स लगाए, बाकी चीज़ें करे, जो भी इकोसिस्टम बचाने के लिए उनसे छोटा या बड़ा एफर्ट बन पड़ता है इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, गवर्नमेंट का, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले करे, तभी हमारा फ्यूचर जो है वो सस्टेनेबल होगा। अगर ये वो तो आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन टूरिज्म से पहले सर्वाइवल है। अगर ये नहीं रहा, हम ही नहीं रहे, तो टूरिस्ट क्या करने आएंगे? इसलिए टूरिज्म को भी बचाएंगे, अपने सर्वाइवल को भी बचाएंगे, अपने इकोसिस्टम की ओर ध्यान देंगे, और इसको हम ऐसी एक्टिविटीज़ को दिन ब दिन तरजीहात के तौर पर कैरी आउट करेंगे।